पिला माने वीडियो टी भलो लागिले लाइक कर देबो आउ चैनल टी को सब्सक्राइब कर देबो। आज आमे कोन करिबा गुणन खंडा सिखिबा। कहार गुणन खंडा सिखिबा? एक रो। एक रो गुणन खंडा सिखिबा। तो आमे पूर्व रो कोन कोन सिखिदिलु रे जोग सिखिदिलु नै कि तापरे वियोग सिखिलु। आज गुणन खंडा गुणन चिन्ह एई भलिया हला एई भलिया देले एटा होछि गुणन चिन्ह। तो एठी देखो एक को बारंबार जोग करिबा जहाँ गुणन करके मजे प्रकाश करे तुमको आज सिखाऊ। देख शून युक्त दे एक देला सामान हूँ एक कौन दे एक युक्त एक सामान ये दुई है। तो यहीटा को आम कम गुणन खंडार लिखिपर एक गुणन एक सामान हूँ एक है। एटा को आउ कौन कह जाए एक रो एक गुण एक रो एक गुण। ये देख एक युक्त एक समान दुई दे एक गुणन दुई समान हो एक दुए दुई। या देख एक को केते थर जोग कर दुई थर तेणु एटा हूँ एक रो दुई गुण केते एक रो दुई गुण। से ये देख दे एक युक्त एक युक्त एक एक को तीन थर जोग कला आम से तीन पाइल तेज एटी एक गुण तीन सामान एक तीरी तीन। यहाँ हूँ एक रत गुण यहाँ एकटा के थर जोग रे तीन थर तेणु एक रहा हूँ तीन गुण बा तीन गुण नहीं। से देख चार्टा एक जोग कराई समान आम चार पाइब एक गुणन चार सामान हूँ चार एक रत गुण सामान चार ये केत गुणन कराई चार मान एक रार गुण। से देख पांचटा एक जो कराई एटी के लिखी एक गुणन पाँच सामान हूँ पाँच तेज यहाँ एक रत गुण पाँच गुण एक रोची पांच गुण। से छटा एक जोग कराई एक गुण छ समान तबे एटा एक रो कत छुण छ गुण कराई एटी सातटा एक जोग करवा। देख प्रथम टे छाड़ी छाड़ी सप्ताह लिखिदेव एक दुई तीन चार पाँच छत जो चिन्ह देदेव सामान सात एटी एक गुण केतटा जग हूँ सतटा एक गुण सात लिखा सामान सात तेरे एक रहा केत गुण रे सात गुण लिखा एक रत गुण। से आठटा एक को जग कर एक दुई तीन चार पाँच छत आठ जग चिन्ह देदेबा आठटा एक को जग कल आम से आठ पाइबा एवं एटी एक गुण आठ करवा सामान आठ ये तेज एटा एक रत गुण आठ गुण केते एक रत गुण। तापरे नौटा एक को जोग करवा एक दुई तीन चार पाँच छत आठ नौ एवं जोग चिन्ह देदेब एक गुण के लिखी केतटा एक जोग नौटा एट नौ लिखी एक गुण नौ सामान चिन्ह यहाँ एक रत गुण रे के गुण कराला न एक रुण के गुण नौ गुण। से पुणी मु कौन करी दसटा एक लिखी जब करी एक दुई तीन चार पाँच छत आठ नौ दस एवं जब कर एक गुणन दस सामान दस दसटा एक जब कराई तेज एटा एक रत गुण एक र दस गुण। ये देख पाने
आउ प्रश्न कोन आसी था एक रो एक गुण समान देश आमे केमती बाहर करबा देखो एक रो एक गुण कहारो एक रो केते गुण एक गुण टिके छाडी के एक लिखि देबो मझीरे गुणन चिन्ह दे देबो रो माने गुणन देलो एक एक केते एक मु जदि कहबी एक रो दुई गुण समान केते कोन करबो कहारो एक रो केते गुण दुई लिखि देलो एक दुने दुई ना सेबोड़ी एक रो तीन गुण समान एक गुणन तीन गुण कहिछि तीन समान एक तीरी तीन एक रो चार गुण समान कौन करब एक रो चार गुण चार लिखि देलो गुणन चिन्ह दे देलो एक चौ चार एक एक रो पाँच गुण एक रो पाँच गुण गुणन चिन्ह दे देलो एक पंचा पाँच सेभरी एक रो छ गुण एक रो छ गुण गुणन गुणन चिन्ह देव एक सौ छ तापरे एक रो सात गुण गुणन चिन्ह दे देलो एक सता सात एक रो आठ गुण आठ गुण कहिछि एकोष्टा आठ एक रो नौ गुण एक रो केते गुण नौ गुण नौ लिखि देलो गुणन चिन्ह दे देव एक नुआ नौ एक रो केते गुण दस गुण एक गुणन दस समान दस এইভাবে যে আমি গুণন খন্ডা এটা লিখি শিখিলু এইটা হল গুণন খন্ডা ইয়াকু আউ অলগা প্রকার মধ্যে লেখা যায় সেইটা আমি তোমাকে শিখাই দেছি এবার দেখো কেমতি লিখিব এক একে এক এক দুনে দুই এক তিরি তিন এক চৌ চার এক পঞ্চা পাঁচ একশো ছ एक सता सात एक अष्टा आठ एक नुआ नौ एक दशे दस एटा को आमे उल्टा पटु मध्य कोन करबा ताकि अभ्यास करबा केमति देखो एक दशे दस एक नुआ नौ एक अष्टा आठ एक सता सात एक सौ छः एक पंचा पाँच एक चौ चार एक तीन तीन एक दुए दुई एक एक ହେଲା ଏଇଭଳି ଆମେ ଡାକି ଅଭ୍ୟାସ କଲା ପରେ ତୁମ ବହିରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଦେଖ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଦେଇଛି ଏକର ଏକ ଗୁଣ ସମାନ କେତେ ଏକର ଏକ ଗୁଣ କେତେ ଦେଇଛି ତୁମକୁ ମୁଁ ଏବେ କରି ଶିଖେଇଲି ଏକର ଏକ ଗୁଣ ସମାନ କେମିତି କରିବ ଏକ ଲେଖିଦେଲ ଏକର କେତେ ଗୁଣ କହିଛି ଏକ ଏକ ଗୁଣ ଏକ ସମାନ ହେଉଛି ଏକ ହେଲା ଏକ 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 ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ଏଇଟା କ ଥିଲା ଖ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଏକର ତିନି ଗୁଣ ତିନି ଗୁଣ କେତେ ଏଇଟା ବି ସେମିତି କାହାର ଏକର କେତେ ଗୁଣ ତିନି ଗୁଣ ଏକ ତିରିଶ ସମାନ ହେଉଛି ତିନି ଉତ୍ତର ସେହିଭଳି ଗ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଏକର ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ କେତେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଏକର ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ କେତେ ଏଇଟା ବି ଆମେ ସେମିତି କରିବା ଏକର କେତେ ଗୁଣ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ ଗୁଣ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେଲ ଏକ ପଞ୍ଚା ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ କାହାର ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ ପାଞ୍ଚ କାହାର ପାଞ୍ଚ ଏଇଠି ଦେଖ କାହାର ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ ପାଞ୍ଚ ଏକର ଉତ୍ତରରେ ଆମେ ଲେଖିବା ଏକ ସେହିଭଳି ନଅ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ତାହାର ଆଠ ଗୁଣ ଆଠ ତାହାର ଆଠ ଗୁଣ ଆଠ ଏକର ଏକଷ୍ଟା ଆଠ ହେଲା ଦୁଇ ନମ୍ବର ଯାକ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହିଛି ଗୋଟିଏ ପିଲା ଗୋଟିଏ କରି ମିଠାଇ ଖାଇଲେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପିଲା କେତେ ମିଠାଇ ଖାଇବେ କ'ଣ କରିବ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଗୋଟିଏ ମିଠେଇ ଖାଇଲେ ହେଲା କେତେଜଣ ପିଲା ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପିଲା ପାଞ୍ଚ ଲେଖିଦେଲ ଏବେ ଗୁଣନ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବ ଏକର ଗୁଣନ ଖଣ୍ଡା ଡାକିଦେବ ଏକ ପଞ୍ଚା କେତେରେ ପାଞ୍ଚ ତେବେ କେତୋଟି ମିଠେଇ ଖାଇବେ ପାଞ୍ଚଟି ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ।